आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भीम SBI पे के बारे में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा भीम SBI पे में आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको उसमें UPI कैसे क्रिएट करना रहता है। अगर फ्रेंड आप UPI क्रिएट कर लेते हैं तो बैंक अकाउंट को लिंक करना और उसमें से आप ट्रांजेक्शन कैसे करना है, ये मैं पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो तरीके बताऊँगा, आप दो तरीके से SBI भीम UPI ID को क्रिएट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो भी कर सकते हैं, या फिर किसी अदर बैंक में आपका अकाउंट है फिर भी आप भीम SBI पे को यूज कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि कैसे आप भीम SBI पे को यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। भीम SBI पे यूज करने के लिए फ्रेंड या तो आपको इनो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, इनो SBI ऐप, या तो फ्रेंड आप यहाँ से आएंगे भीम SBI पे, आप ये इंस्टॉल भी कर सकते हैं। दोनों जगह से आप फ्रेंड भीम SBI पे को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ से UPI ऐप्स के थ्रू कैसे क्रिएट करना इसमें वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप यूनो SBI पे के अंडर जाके आप यहाँ से भीम SBI पे को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर फ्रेंड अभी तक आपने योनो SBI पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना और इसे यूज कैसे करना इसमें मैं पर्टिकुलर वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। इसको फ्रेंड आप यहाँ से लॉग इन करेंगे तो आप लॉग इन दो तरीके से कर सकते हैं, MPIN डाल के या फिर User ID पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं जैसे आप करना चाहते। अगर आप MPIN डाल के लॉग इन करना चाहते तो आप यहाँ से MPIN डाल के लॉग इन कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो यहीं फ्रेंड एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यूनो पे का, आपको सिंपली यूनो पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड यहां से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहीं से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यहाँ से भीम UPI SBI पे यानी भीम UPI, आपको सिंपली इसी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप क्लिक करेंगे फिर इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जहां से फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एंड रिएक्टिवेट UPI प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आपको अपना सिम चूज कर लेना, जो भी आप सिम रहेगा चूज कर लेंगे। इसके बाद फिर सिम चूज करने के बाद आपको वेट करना है, ये आपके नंबर को वेरीफाई करेगा। यहाँ से आपको फ्रेंड 10 सेकेंड का टाइम लेता है ये नंबर को वेरीफाई करने के लिए, तब तक आप किसे कट नहीं करना, सिंपली वेट कर लेना है। फिर फ्रेंड यहाँ से आपके मोबाइल में जबकि आपके नंबर को से वेरीफाई कर लेगा, इसके बाद प्रोसीड करेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपने अकाउंट को सिलेक्ट करना है, यानी आपको जो भी बैंक अकाउंट रहेगा आप यहाँ से अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम स्टेट बैंक को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से आपको UPI क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड आपको अपना एक UPI क्रिएट करना है, जो भी आप ऐसे क्रिएट करना चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम आपको नंबर डाल के चेक करते हैं क्या अवेलेबल है या फिर नहीं है। जैसे फ्रेंड आप जो भी रहेगा क्रिएट करेंगे, उसके बाद पूरी चीज़ फुल करने के बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है क्या वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। जैसे फ्रेंड आप चेक अवेलेबिलिटी वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं अगर अवेलेबल रहेगा तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा दिस UPI ID इज अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी आपके रजिस्ट्रेशन के लिए UPI ID अवेलेबल है। या तो फ्रेंड आपके यहाँ से नीचे कुछ UPI ID सेलर यहाँ से आपको सजेस्ट की जाएंगी, अब अगर आप इसमें से आप चूज करना चाहें तो चूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट योर सीक्रेट क्वेश्चन, यानी अपना एक सीक्रेट क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। या अगर फ्रेंड अभी आप कभी इन फ्यूचर अभी इससे भूलते हैं फिर यहाँ से आपको फॉरगेट करना रहे तो आप यहाँ से आके चूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से आपको अकाउंट को प्राइमरी सेलेक्ट करना रहेगा, सेलेक्ट प्राइमरी अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड अगर आपके नंबर पे एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन रहेंगे तो सभी आपके अकाउंट मिल जाएंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे फ्रेंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं लिखा है कंग्रेचुलेसन सक्सेसफुली योर UPI ID क्रिएट। फिर यहाँ फ्रेंड ओके आपको कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है UPI ID का, आप यहाँ से UPI से पेमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट आप मिल जाता है, या फिर बैंक अकाउंट्स आप ट्रांसफ़र करना चाहते बैंक अकाउंट कर सकते हैं, या फिर स्कैन QR करके आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI करना रहेगा तो UPI ID वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी UPI ID रहेगा तो आप यहाँ से न्यू UPI ID पर क्लिक करके
UPI ID डाल के पेमेंट कर देंगे। इसके बाद फिर आपको कॉन्टैक्ट का मिल जाता है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट रहेगा अगर आप यहाँ से आके पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं, या फिर बैंक की डिटेल आप डाल के यहाँ से इसमें भी पेमेंट करना चाहें तो किसी भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहीं से आपको QR कोड का भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप नए से जनरेट करना चाहें QR कोड, आपको जनरेट QR वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप यहाँ से अपने QR कोड को जनरेट कर सकते हैं। जैसे फिर आप यहाँ से क्लिक, इस प्रकार से आपके सामने QR आ जाएगा और आपकी UPI ID आ जाएगी, आप यहाँ से पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है नीचे कलेक्ट कर, आप जैसे कलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो UPI IDs कितने कलेक्ट किए उसको देख सकते हैं, QR कोड को जो भी रहता है इसमें से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और ये फिर आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाता है मैनेज का, यानी आप अपने UPI ID को मैनेज कैसे करना यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं प्राइमरी अकाउंट किसे सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आप ये फिर यहाँ से व्यू ऑल UPI ID जो भी रहेगी आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अगर मैनेज करना चाहें अपने UPI ID को आप यहाँ से आके मैनेज कर सकते हैं। और जितने भी ट्रांजेक्शन किए रहेंगे नीचे आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए ट्रांजेक्शन का, आप यहाँ से ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कितने आप ब्लॉक किए हैं, डिस्पैच कितने हुए हैं, कितने आपके ट्रांजेक्शन पेंडिंग हैं। तो ये फिर ये था पूरा प्रोसेस आप कैसे यहाँ से योनो SBI में जो भीम UPI का आपको ऑप्शन मिलता है उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर 24x7 आप इसे यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर करें। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा अभी भी इससे संबंधित आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे सीधा जुड़ना चाहें या फिर आप सवाल करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर लीजिए, आप हमसे वहाँ अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो जरूर कीजिएगा, जितने भी नए नए अपडेट रहते हैं जो यूजफुल अपडेट रहते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको टाइम टाइम टेलीग्राम भी अपडेट करता रहता हूं, तो जाके फॉलो जरूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक और भी क्लिक करें, इस तरह फिर जितने भी अपडेट यूजफुल वीडियो मैं आपके लाता रहता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। इस तरह फिर इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो मैं जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।